क्या आपको पता है एक विलेज ऐसा भी है जिसको लॉन्ग हेयर विलेज के नाम से जाना जाता है। ये जो विलेज है, यहाँ की जो लेडीज़ हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। गिनीज़ बुक में भी इन लोगों का रिकॉर्ड है, क्योंकि इन लोगों के बाल इतने ज़्यादा लंबे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं। मतलब आप 70-80 ईयर्स की लेडीज़ भी देख लेंगे, उनके बाल सफ़ेद नहीं हैं, सबके बाल काले हैं। इनको याओ वीमन के नाम से जानते हैं और ये अपने लंबे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इनका एक हेयर स्टाइल होता है, ये लोग खुले बाल नहीं रखते हैं, कुछ ऐसे हेयर स्टाइल बन टाइप का बना के अपने बालों में रखते हैं। और कहा जाता है कि ये लोग अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही हेयर कट करवाते हैं, नहीं तो इनके ये लोग हेयर कट भी नहीं कराते। इनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। मैंने कुछ पुराने पुराने वीडियोज़ देखे तो उनमें देखा कि ये लोग अपने रूफ़ पर जाके या फिर फर्स्ट फ्लोर पर जा जा के अपने बालों को सुखाती हैं, क्योंकि इनके बाल इतने ज़्यादा लंबे होते हैं। तो जब इन लेडीज़ से पूछा गया तो पता चला कि ये लोग अपने बालों में राइस वाटर यूज़ करते हैं, और तभी से ये राइस वाटर यूज़ करने का ट्रेंड चल गया। तब पता चला कि यार राइस वाटर बालों के लिए इतना अच्छा होता है, इसको बालों में भी यूज़ करना चाहिए, और यही सीक्रेट है इन लेडीज़ के अच्छे घने लंबे बाल होने का। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ये लोग ये राइस वाटर बनाते कैसे हैं। फर्मेंटेड राइस वाटर जो स्किन के लिए यूज़ करते हैं वो भी आप अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं, पर इनके बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। तो आज की वीडियो में यही सारी बातें हम करने वाले हैं। राइस वाटर बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्किन के लिए भी होता है। ऑलरेडी मैं वीडियो कर चुकी हूँ, स्किन पे मैंने अप्लाई किया था, कुछ दिनों तक इसको यूज़ किया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और जो राइस वाटर होता है इसमें 90% प्रोटीन होता है, जिसको कि कैरेटिन भी कहते हैं, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, डैमेज हेयर को बहुत जल्दी से रिपेयर करता है। साथ ही साथ जब फर्मेंटेड होता है राइस वाटर, उस टाइम पे इसमें एक सब्सटेंस आ जाता है जिसको पितेरा कहते हैं, जो कि बालों को हेल्दी बनाने के लिए, बालों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही राइस वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, विटामिन बी होता है, ई होता है, बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। राइस वाटर बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बालों से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे कि ये बालों में शाइन को ऐड करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, सिल्की बनाएगा, फ्रिज फ्री बनाएगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। पर उसके लिए आपको इसको रेगुलर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही डैंड्रफ को दूर करता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, तो मतलब इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए राइस, तो वाइट राइस जो खाने में यूज़ करते हैं वही राइस ले लीजिए, और इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए, 3-4 बार पानी से वॉश कीजिए, जिससे इसकी सारी गंदगी निकल जाए। और इसको आधा एक घंटे के लिए सोक करके रख दीजिए। जब आप इसको आधा एक घंटे सोक करके रखेंगे तो इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा। तो अब इस पानी को अलग कर लेंगे, चावल को अलग कर लेंगे। चावल को आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, और जो पानी है इसको बॉयल करने रखेंगे। बॉयल करते टाइम इसमें एक पोमेलो फ्रूट डालते हैं, जो कि सिट्रस फ्रूट होता है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो इंडिया में तो मिलता नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज पील, या फिर आप लेमन पील यूज़ कर सकते हैं, ये भी बालों के लिए अच्छा होता है। और जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसके कारण जो स्मेल होती है वो कम हो जाती है और ऑरेंज ऑरेंज स्मेल आती है। तो अब इस वाटर को अच्छे से बॉयल कर लेंगे 5 से 10 मिनट तक। इसके बाद इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। जब आप फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं तो ये जो पील्स हैं इनको अलग कर दीजिए। वैसे तो इनको 15 दिन तक फर्मेंटेड किया जाता है, पर मैंने 7 डेज़ किया, और आप चाहें तो सिर्फ 24 आवर्स तक ही फर्मेंटेड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका तो ये है कि आप इसको रिंस कर सकते हैं, मतलब पूरे अपने बाल इसमें भिगो दीजिए, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इसको स्प्रे बॉटल से यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे एप्लीकेशन इजी हो जाता है और रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। बार बार बालों पे मतलब पूरे बालों को इस पानी में भिगोना तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, मैसी हो जाता है, इसलिए मैं स्प्रे बॉटल प्रेफर करती हूँ। आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसको कब तक लगा के रखना है। तो इसको आप मिनिमम आधा घंटे और मैक्सिमम 1 घंटे, इससे ज़्यादा लगा के नहीं रखें। थोड़ी देर, आधा घंटे लगाएंगे और आपको अगर ड्राइनेस लगने लगती है तो फिर आप वॉश कर दीजिए, और अगर आपको ड्राइनेस नहीं लगती है तो आप 1 घंटे तक लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी कई बार बालों को डैमेज कर देता है। अब इसको वॉश कैसे करना है, तो आप
पानी से वॉश कर सकते हैं। पानी से वॉश करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप शैम्पू यूज़ कर लीजिए, और कंडीशनर जो भी आप फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। वो जो लेडीज़ हैं वो लोग इसमें रीठा भी मिक्स करते थे जिससे कि उन्हें शैम्पू कंडीशनर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती थी, पर इधर मैंने रीठा मिक्स नहीं किया, मेरे पास रीठा नहीं था तो मैंने रीठा यूज़ नहीं किया, तो मैं इसके बाद शैम्पू भी यूज़ करती हूँ। बात करते हैं इसको यूज़ कब करना है, तो वहाँ की लेडीज़ इसको 3 दिन में एक बार यूज़ करती हैं, और आप चाहें तो इसको 3 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वीकली यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी कुछ दिनों से वीकली ही इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एवरी डे या 3 दिन में मेरे लिए यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। आप इस राइस वाटर को बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, और अगर आप 24 आवर्स के लिए फर्मेंटेड करने वाले हैं तो फ्रेश बना के ही यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेशन के लिए आप थोड़ा डार्क प्लेस पर रखिए, तब अच्छे से फर्मेंटेड होगा, और अगर आप किसी ठंडे प्लेस पर रहते हैं तो फर्मेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इस राइस वाटर को यूज़ कर चुकी हूँ, और फर्स्ट सेकंड वॉश में ही आपको आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की लगेंगे, सॉफ्ट लगेंगे, मैनेजेबल लगेंगे, और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। हेयर ग्रोथ की बात करूँ तो उसके लिए आपको कम से कम 1-2 महीने का टाइम लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी हेयर ग्रोथ हुई है या नहीं। और हेयर फॉल को भी ये काफ़ी हद तक कम करता है, मतलब बालों के लिए बहुत अच्छा है। एक बार ज़रूर इसको बना के देखो, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखो, और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और बनाना, इसको ट्राई करना, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।